रूस यूक्रेन जंग लगातार जारी है, लेकिन क्या पुतिन ने वाकई जेलेंस्की की नींद छीन ली है? लेकिन जेलेंस्की के लिए सबसे बड़े खौफ वाली खबर यह है कि कादिरफ के बाद उनका एक और बड़ा दुश्मन उनके बहुत करीब पहुंच चुका है। अमेरिका का यह दावा है कि ईरान की खुफिया फोर्स रूस पहुंच चुकी है, इसमें बहुत ज्यादा दम है। ईरान, उसका आत्मघाती ड्रोन, रूस, क्या अब यूक्रेन में उतर चुकी है ईरान की फौज? क्या बाइडेन का दुश्मन अब जेलेंस्की को भी नहीं छोड़ेगा? पहले यूक्रेन में ईरान का आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 आया, फिर फतह मिसाइल और अब ईरान की स्पेशल फोर्स। जेलेंस्की क्या करेंगे? जेलेंस्की कैसे बचेंगे? व्लादिमीर पुतिन की ताकत एकदम से बढ़ गई है और ये जेलेंस्की के साथ नेटो और अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज है। यूक्रेन में 10 दिनों के अंदर पूरा बैटल ग्राउंड बदल गया है। जेलेंस्की को 440 वोल्ट का सबसे बड़ा शॉक पुतिन के सबसे बड़े दोस्त ईरान से मिला है। क्योंकि रूस को जो ईरान ने दिया है उसकी वजह से जेलेंस्की की फौज के पैर उखड़ने लगे हैं। रूस ने उन ड्रोन से कीव पर हमले किए। ईरान पुतिन को फतह मिसाइल भी दे सकता है। ये मिसाइल मिली तो जेलेंस्की का बंकर भी उनको कैसे बचाएगा, कहना मुश्किल है। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि ईरान की स्पेशल फोर्स यूक्रेन पहुंच चुकी है और वो पुतिन की फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है। ये दावा अमेरिका का है, नेटो का है और ऐसी खबरें देखकर जेलेंस्की बहुत ज्यादा नर्वस हो गए हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग ने सबसे पहले यह दावा किया कि ड्रोन के बाद ईरान की फौज भी यूक्रेन पहुंच चुकी है। इसके बाद अमेरिका की मीडिया में यह खबर हेडलाइन बन गई। यूरोप और खासकर ब्रिटेन के अखबारों में यह सबसे बड़ी सुर्खियों में से एक है। इजराइल को तो बड़ा शॉक लगा और उसके अखबारों में इसको लेकर कई रिपोर्ट छपी है। अमेरिका के दावे पर सब हैरान है। And our understanding is that they're on the ground in Crimea assisting Russian military personnel as they conduct these drone operations in Ukraine. Assisting them, but not a direct, they're not directly operating the drones. My understanding is that it's the Russians who are flying the drones. So yes, they are assisting the Russians in that those operations. यूक्रेन में युद्ध को लेकर अमेरिका की बातें कितनी पुख्ता हैं, इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। रूस ने अभी तक ईरान के ड्रोन इस्तेमाल करने की बात से इनकार किया है, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा है कि ईरान के ड्रोन कैसे यूक्रेन में कहर मचा रहे हैं। सबसे नए मुकाबले की शुरुआत तो यूक्रेन ने की थी जब 8 अक्टूबर 2022 को क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाले पुल पर हमला किया गया था। इस धमाके को जेलेंस्की और नेटो का मास्टर स्ट्रोक बताया गया था। पूरी दुनिया में रूस और पुतिन का मजाक बनाया गया। पश्चिमी मीडिया ने कहा कि इस हमले के बाद पुतिन की हुकूमत का अंत करीब है, लेकिन दो दिन बाद 10 अक्टूबर 2022 को पुतिन की तीसरी आंख खुली। कीव से लेकर यूक्रेन के कई शहरों की सुबह धमाकों के साथ हुई, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका ईरान के ड्रोन शाहिद 136 की थी। कहा गया कि पुतिन ने तीसरी आंख खोल ली है और अब यूक्रेन के साथ नेटो देखेगा कि पुतिन कैसी तबाही मचाते हैं।
पुतिन ने बदला बहुत आराम से और बहुत खामोशी से लिया, लेकिन अब वो इस गुस्से को आगे अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। यही वजह है कि अब ईरान के ड्रोन के साथ ईरान की फौज का यूक्रेन पहुंचने का दावा किया जा रहा है और इससे अमेरिका सबसे ज्यादा घबराया हुआ है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक मीडिया आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 की बात लगातार कर रहा है और इजराइल में भी चर्चा में है कि पुतिन ने ईरान से फतेह 110 लेकर बात पक्की कर ली है। यूक्रेन की मीडिया और सरकारी सोर्स भी अब ईरान की इस मिसाइल को लेकर बहुत ज्यादा दहशत में है। ईरान की स्पेशल फोर्स की कई यूनिट इस वक्त रूस की फौज के साथ एक्टिव हो सकती है। ये ट्रेनिंग के साथ साथ स्पेशल मिशन में उसका साथ दे सकती हैं। ईरान और रूस की फौज ने इससे पहले सीरिया में मिलकर काम किया है और वहां आतंकवादी गुट ISIS को खत्म करने के साथ साथ ईरान ने अमेरिका को भी सीरिया में काबू में रखने में एक दूसरे की मदद की है। लिहाजा युद्ध में ईरान का अनुभव कम नहीं है और पुतिन यूक्रेन में भी ईरान के टैक्टिक्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके पास कादिरव जैसा कमांडर पहले से ही मौजूद है जिसके चेचन लड़ाकों ने मारियोपोल जैसे बड़े शहर को जीतने में बड़ी भूमिका निभाई है और अब यूक्रेन में ईरान की फौज के उतरने की बात की जा रही है। उसके ड्रोन ने तो पहले ही कहर मचाया हुआ है। कीव की सड़कों पर बहुत दहशत है। ऐसी इमरजेंसी तो कीव ने युद्ध की शुरुआत में भी नहीं देखी थी। इस तरह पुतिन ने ज़ेलेंस्की को जवाब दिया है और क्राइमिया हमले के बदले का पहला ट्रेलर दिखा दिया है। पुतिन के बदले का कैनवास सिर्फ कीव तक सीमित नहीं रहेगा, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि अब रिपोर्ट है कि शाहिद ड्रोन के बाद ईरान अपनी बहुत ही खतरनाक फतेह 110 मिसाइल भी पुतिन को दे सकता है। ये मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज तक 3 मीटर के सटीक दायरे में हमला करती है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक मीडिया इसी मिसाइल की बात कर रहा है। इसराइल में भी यही मिसाइल चर्चा में है कि पुतिन ने ईरान से फतह 110 को लेकर बात पक्की कर ली है। यूक्रेन की मीडिया और सरकारी सोर्स भी अब ईरान की इस मिसाइल को लेकर बहुत ज्यादा दहशत में है। जब से ये बात ज़ेलेंस्की को पता चली है वो बहुत दहशत में है और अब उनकी एक ही डिमांड है कि किसी भी तरह यूक्रेन की फौज को ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम से लैस किया जाए जो ईरान के ड्रोन और मिसाइल को काउंटर कर सके। Сьогоднішній російський обстріл ракетами і дронами теж призвів до нових перебоїв з електрикою, але це виправляється. Відновлювальні роботи тривають. Така форма терору не дасть Росії нічого навіть зараз, коли ми ще не маємо достатньої кількості систем ППО. दरअसल पुतिन ने अपनी क्रूज मिसाइल और ड्रोन हमलों से यूक्रेन के बिजली घरों को टारगेट किया है ताकि ज़ेलेंस्की को पता चल सके कि रूस चाहे तो उसे घुटने के बल पर बैठने को मजबूर कर सकता है। Попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз создаваемых Российской Федерацией. ज़ेलेंस्की अपने वीडियो स्टेटमेंट में बार बार ईरान के ड्रोन का नाम ले रहे हैं क्योंकि पुतिन इस वक्त यूक्रेन में ईरान के शाहिद 136 सुसाइड ड्रोन का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं जो उड़ता हुआ बम है और वहां जाकर गिरता है जिस टारगेट को उसे पूरी तरह से खत्म करना होता है। अमेरिका का दावा है कि ईरान के सैनिक रूस को लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट्स ऐसी मिलती रही हैं कि रूस ने जुलाई और अगस्त में अपनी फोर्स को ईरान के ड्रोन्स ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी थी। इसमें 3 ड्रोन शामिल रहे जिसमें मुहाजिर 6, शाहिद 129 और शाहिद 191 ड्रोन शामिल है। ये ड्रोन सर्विलांस के साथ साथ दुश्मन पर बम गिराने का काम कर सकते हैं। इसमें शाहिद 136 वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है जो अकेले हमला नहीं करता बल्कि एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। यह आत्मघाती ड्रोन है। इन्हें ईरान का कामिकाजी ड्रोन कहा जाता है जो यूक्रेन की पोजीशन पर अटैक कर रहे हैं। पुतिन ने ऐसे ड्रोन्स के जरिए कीव पर हमले का प्लान क्राइमिया ब्रिज अटैक के फौरन बाद बना लिया था। ईरान को इस युद्ध में शामिल करने की प्लानिंग बहुत ध्यान में रखकर की गई है। पुतिन ने बस ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने का ऑर्डर दिया और उसके बाद उनके स्पेशल ऑपरेशन के नए कमांडर जनरल सर्गेई सुरोवेकिन को आदेश मिला। जनरल सर्गेई सुरोवेकिन को चेचन कमांडर रमजान कादिरव की सलाह के बाद बनाया गया है।
लिहाजा पुतिन के लेटेस्ट ऑपरेशन कीव में कादिरव का भी दखल रहा होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ईरान की फौज अगर यूक्रेन में है और वो इस युद्ध में आगे के मोर्चों पर लड़ रही है, तो सबसे बड़ा खतरा इस युद्ध के फैलने का है, क्योंकि इस बात से तो सब वाकिफ हैं कि यूक्रेन की मदद नेटो की फौज कर रही है। ऐसे में यूक्रेन की जमीन एक ऐसे बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है जिसमें खून की छींटे अगर यूरोप या फिर रूस के शहरों की तरफ पड़ी तो इसके विश्व युद्ध में तब्दील होने में देर नहीं लगेगी। फिलहाल पुतिन क्राइमिया पुल वाला बदला ले रहे हैं। उनको यकीन था कि क्राइमिया ब्रिज पर हमला ज़ेलेंस्की के ऑर्डर पर किया गया है, इसीलिए उन्होंने ज़ेलेंस्की के बंकर को तबाह करने की ठान ली है। बस रूस की फौज उनके ऑर्डर मिलने का इंतजार कर रही है। Так что доложили, сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Совершенно верно. И авторы, исполнители. इस वक्त यूक्रेन बहुत ज्यादा दहशत में है। ज़ेलेंस्की चाहे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनको भी एहसास हो गया है कि पुतिन की तीसरी आंख खोलने के मायने क्या है। और अब तो पुतिन पूरे युद्ध को ईरान के चश्मे से भी देख रहे हैं, क्योंकि इस युद्ध में उसका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका भी है। पुतिन बहुत खामोशी से फैसले ले रहे हैं, इसमें कादिरव की सलाह भी है और उनके नए जनरल के खतरनाक आइडिया है। ज़ेलेंस्की की तरह पुतिन रोज बयान जारी नहीं करते, ना ही सेल्फी वाले वीडियो बनाते हैं। वो जब कैमरे के सामने आते हैं तो एक पोख्ता प्लान बनाने या उसे अंजाम पहुंचाने वाले भरोसे के साथ बात करते हैं। इसलिए अब ज़ेलेंस्की के लिए अंडरग्राउंड होने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब पुतिन ने तीसरी आंख खोलकर शॉक एंड एव वाला एक छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया है।